गाइस आप लोग कैसे हो? जैसे भी होंगे अच्छे होंगे, दुस्त होंगे, चरुस्त होंगे, जो भी होंगे होंगे भाई। आज हम आने वाला मतलब आए भाई मेटल और भाई ऑब्सीडियन के फार्म में, जहाँ पे भाई हमें भाई मेटल और ऑब्सीडियन भर भर के मिलने वाला है। जो है इस जगह पे देख लो, ये जो जगह है मेरी जो दिख रही ना, इधर वाली जगह पे जहाँ पे मेटल ऑब्सीडियन और क्रिस्टल भर भर के मिलता है जो है। और इधर भाई आपका डायनो जो है सेफ रहने वाला है, इधर आप बेस भी बना सकते हो। तो मैं कहूँगा भाई इधर बेस ना बनाओ तो अच्छा ही है, क्योंकि भाई आपके कुछ भी करना हो तो मेटल और मतलब वुड और जो है फाइबर कलेक्ट करना हो तो नीचे जाना पड़ेगा, और बहुत नीचे है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, देख लो। और आज हम हार्ड कार्नेटोसॉरस करने वाले हैं, और ट्रॉफी रूम के लिए भाई ट्रॉफी माउंट बनाने वाले। तो देख लो ये काफ़ी नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो मुझे खांसी वगैरह हुआ है, तो खांसी की आवाज़ आए तो भाई थोड़ा माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई खांसी के लिए। तो सबसे पहले तो भाई इधर हम बनाएंगे एक पोर्च के लिए जो है जगह बनाएंगे, जो है ये वाला जो है रिवाइंडिंग फोर्ज है, जो इसको भाई थोड़ा इधर सरक के रखेंगे। और जो है हमारा एक डायनो को टेलीपोर्ट करेंगे जो है एन किलो, तो एन किलो को टेलीपोर्ट कर देते हैं फटाक से। आ गया हमारा जो है एन किलो भाई। तो देखो एक बार दिखाता हूँ मैं, तो इसको मारा, देखो बच्चे से मेटल मिल रहा है एक बार से, तो ये 80 मेटल मिल गया, देख रहे हो ना। तो इधर से आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इधर को ऐसे करके जो है, यह देख रहे हो मेटल, ओ भाई कुछ ज़्यादा ही मेटल है, तो इतने सारे मेटल तो एक साथ नहीं ले सकता मैं, तो इसका थोड़ा पास में ले जाते। और इधर कोई भी डायनो स्पॉन नहीं होता, तो आपका एन की लो पूरा सेफ रहेगा। और इधर से आप भर भर के मेटल भी ले सकते हो जो है इस फोर्ज पे आपको लगा देना है। तो फटाफट मैं पिट्रो को लेके नीचे जाता हूँ, और वुड और जो है कुछ बेरीज वगैरह कलेक्ट करके लाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को एन की लो के पास भी जाना है। तो इसको फटाफट से हम प्राइम मीट वगैरह मिले तो ठीक है, कोई नहीं प्राइम मीट ये खाएगा नहीं। तो ये रहा हमारा जो है चीज़ें, हम कुछ गाजर भी दे देते हैं इसको जो ये खाता रहेगा। और इधर से भाई कुछ कुछ जो है हम ऊट वगैरह दे देते हैं 40 के बराबर ऊट। और क्राफ्टिंग के लिए ऊट नहीं लगेगा तो नीचे जाना पड़ेगा हमें। तो ये रहा ऊट चाहिए होगा, फिर से हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो भाई मैं काम कर देता हूँ, इधर को जो है हम ज़्यादातर ऊट लेते हैं और कुछ स्टोरेज बेल्ट बनाते हैं, ठीक है ना। जो है इधर को हमें बनाना है एक स्टोरेज बॉक्स और स्मिथी भी लगाना है। तो स्टोरेज बॉक्स को थोड़ा ऐसे करके इधर को लगा देते हैं, जहाँ पे हम सब कुछ स्टोर कर सकेंगे। और इधर 2-3 मेटल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इधर से ये ले लो। और हाइट तो हम एन किलो के पास रखा है, तो ये रहा हमारा हाइट, और ये रहा हमारा वुड। और इधर को हमारा हो जाएगा भाई स्मृति थी, और स्मृति के लिए भाई 50 के बराबर स्टोन चाहिए होगा, तो स्टोन भी हम कलेक्ट कर लेते हैं ना, क्या जाता है भाई स्टोन कलेक्ट करने में। और स्मृति को लगवाना है भाई, एक ही में लगवाएंगे। तो ये रहा हमारा स्मृति, और इसमें हमें बनाना है पेडिस्टल जो है 80 के बराबर हमें ऑक्सीडियन चाहिए, तो इसको हम ले जाते हैं ऑक्सीडियन के पास, जो मैंने देखा था रास्ते के पास भी है 80 के बराबर मतलब चाहिए, मतलब 180 के बराबर ऑब्सीडियन चाहिए। तो
19 मिल चुका है और हमारा पेट्रो को जो है शांत करना है और पेट्रो के अंदर से भी ऑक्सीजन हमें लेना है और इसके अंदर डालना है तो मिलेगा एक बना सकेंगे हम। तो ये है भाई हमारा ट्रॉफी माउंट, ठीक है। तो सबको हम एक काम करते हैं, स्टोरेज बॉक्स में जो है सबको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि भाई कुछ भी ज़रूरत होगी तो कर लेंगे। ना 9 मेटल है हमारे पास तो अभी नहीं चाहिए भाई, घर से हम कुछ वो वगैरह लेके आएंगे जो है। तो अभी भाई हमें सोना है तो आसपास देखते कोई बेस वगैरह है कि नहीं हमें, तो शायद से मैं सो नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि अभी भाई दिन होने वाली है। 1 hour later इससे हमें क्या मिलेगा पता है, एक तो है जो लेवल मिलेगा हमें और दूसरा जो है एक ट्रॉफी मिलेगा। ए रहा नहीं तो ये वाला तो कनेक्टो सस नहीं है, वो रहा ऊपर में। इसको स्वाट लो, क्या क्या है, फ्योमियो को क्यों मार रहा है, मेरे को मारना, मेरे को मार, आजा आजा आजा। तो मार दिया हमने कार्नो को भैया। इसके पास से एक रोमेट प्राइमेट मिला है और जो है हाइट वगैरह मिला है तो ठीक है, और एक को देखते हैं दूसरे वाले को। और इधर जो है रैप्टर वगैरह बहुत ज़्यादा है तो भाई फटाक से उतरते स्वाट लेके। और ओ भाई हमारे पास स्वाट था, स्वाट किधर है, जो कार्नो दूसरे वाले कार्नो को भी मार दिया हमने। और एक दिखा रहा था किधर है, और एक सामने है। किधर बता रहे है भाई कार्नो, ये तो रैप्टर है। तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा दूर जाता हूँ, अरे इधर पूरा सामने कार्नो जो दिखा रहा है। पैडन को मत मारना, भूल से भी नहीं, भूल से भी नहीं, भूल से भी नहीं मारना पैडन को हमारा जो इसका जो। तो भाई दूसरे तीसरे चौथा वाला को शायद से मार दिया। और इधर जो है रैप्टर भर भर के रैप्टर है और तीसरे वाले को देखते हैं भाई सामने और भी ऊपर की तरफ एक। ये जो है ईती को मारने को व्यस्त है तो पटक से जाएंगे ये वेते सब कुछ है जो कार्नो को पटक से मारेंगे और भाई चले जाएंगे। तो ईती को मार दिया हमने तो भैया रैप्टर ने पकड़ा है तो भाई मारो सबको, सबको मारो पकड़ के। रुको भाई हम आ रहे हैं ना। तो जो है एक्स्ट्रा चीज ये रख के इसको भाई फेंको, इसको भी भाई फेंको और भाई उड़ चलो। तो चौथा वाला जो कार्नो है वो है इस तरफ, दो दो कार्नो है। तो मैं काम करता हूँ इसको इधर रख के मैं पहले टेरोबाट को तुम्हार लेता हूँ, एक दो शॉट खत्म, ठीक है। तो इस कार्नो को मार लेता हूँ सबसे पहले। तो मेरा लेवल आ चुका है तो तेरे वट किधर भाई, भाई क्या मार रहे हो यार, कितने दूर तक मारोगे। तो पहले तो इस तेरे वट से निपल लेते हैं जो हमारा है। अरे रुक भाई रुक, मैं नीचे उतर रहा हूँ उसके बाद दिखाता हूँ तुमको भाई। एले एले ले भाई खत्म, मजा आया ना अभी।
कान जो है और भी सामने है, तो हमारा जो है इसको भाई पहले तो मैं काम करता हूँ इसको जो है कुछ नहीं, मैं देख लेता हूँ रिक्स का भाई है कितना लेवल, तो 110 लेवल का आसपास है, तो ये इसको तो नहीं करने वाला कुछ, छूने भी नहीं वाला, इसके आसपास घूमने नहीं वाला। और भी आगे जाओ, इधर जो है टेरर वाइट का जो है झमेला चालू है इधर पूरा। फटाफट से स्वाट पकड़ लो और भाई इसको फटाफट से मार लो। और इधर भाई साहब इधर जो है और एक है देख लो, तो बहुत कम बचा है, फटाफट से जाएंगे फटाफट से मारेंगे। जो हमारे पास है ओपी स्वाड आ चुका है एक, जिससे हम भाई किसी को मार सकते हैं, रिक्स रिक्स और दूसरे चीज़ों के अलावा रिक्स को भी मार सकते हैं भाई। रिक्स को कौन, रिक्स के साथ कौन पंगा लेने जाएगा भाई। इधर भाई कानों और कुछ तो लड़ते हुए दिख रहा है जो है हमें गिलगिली में दिख रहा है, जो हम इधर को उतरेंगे और भाई कानों को पीछे फुल पोटेंशियल लेके भागेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये जो है हमारा पेटराडॉन, पेटराडॉन जो है पहले तो इसको मार लेते। इधर और एक भी है देख लेते हो, सबसे पहले किधर है तो नीचे की तरफ है वो राधिका मिले, और एक क्या दो मारना पड़ेगा ठीक है हमें, और दो मारना पड़ेगा जो है इसको मार चुका हूँ, और एक मारना पड़ेगा जो है हमारे सामने के तरफ, इसको फिर से प्यास लग गई है। तो भाई काम करते हैं फटाक से, हम इसको प्राइम मीट दे देते हैं, और जो है बात बात भाई हीट नहीं करना था, ड्रॉप प्राइमेट देते रहते हैं, और जो हमारे पास है वो भाई ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा, और नहीं ड्रॉप ऑल नहीं करना। अरे भाई साहब ठीक है कोई नहीं, प्राइमेट थोड़े ना बचेगा। तो स्वाम के एरिया में है एक, दिखा रहा है मेरे को जो है, मुझे भाई डर सा लग रहा है एक ऊपर होना, ठीक है ऊपर की तरफ ही है जो, इधर मेरे को खतरा दिखा रहा है, फिर भी भाई मैं उतरूंगा और भाई कानों को जो है मार के चलाऊंगा ठीक है। तो हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, और भाई पेटराडॉन तो नीचे आजा, नीचे आजा भाई, नीचे आजा, थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ, और भाई देखो भाई हमारा ट्रॉफी जो है मिल चुका है, तो हम सीधे घर में जाएंगे और ट्रॉफी को लगाएंगे। तो भाई सीधे घर में जाने के लिए भाई हमें एक काम करता हूँ, ग्रीम क्लिक के पास भी हूँ मैं, नहीं जाना मेरे को घर ही जाना है। एक काम करते हैं भाई फटाक से हम अपने घर को निकलते हैं, और भाई दो दो लेवल आ चुका है हमारे लेवल अप, जो अभी भाई घर में जाके मैं करने वाला हूँ। मैं अब घर के पास पहुंच गया और स्टैमिना जो है ख़त्म हो गया घर के पास पहुँच गया ठीक है कोई नहीं। तो भाई मैं जो है पहले तो भाई एक ट्रॉफी लगाऊंगा, और इसको भाई शांत करो पहले, स्टॉप ऑल ठीक है, इसको भाई शांत करो, और लेवल अप जो है हम कर लेते हैं। तो हमारे पास दो लेवल अप देख सकते हो, तो एक लगाएंगे हम वेट पे, एक लगाएंगे हम हेल्थ पे, क्योंकि हमें स्टैमिना और मूवमेंट स्पीड बहुत अच्छा है, तो हमें वेट और हेल्थ चाहिए, क्योंकि सिंगल प्लेयर में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एक चीज तो है वो पैड, तो हमारा किधर है एरा, एरा ट्रॉफी रूम, ट्रॉफी रूम तो इधर से हम बनाना चालू करेंगे। तो पहले पहले वाला पेडिस्टल जो है थोड़ा छोड़ के यहाँ पर लगा देते हैं, जिसमें हम रखेंगे कार्नोटोरोसस का पेडिस्टल जो है, ये बहुत मस्त दिखता है, देख ले आप लोग देख सकते हो कार्नोटोसरस का पेडिस्टल बहुत मस्त दिखता है देखो,
ये देखो ऐसे करते हैं, एमिनेशन भी बहुत मस्त है। जो इधर को लेके इतने दूर तक जो है हमारा पूरा पेडिस्टल लगने वाला है जो है इन लोगों का। और भाई हम लोग ने बना लिया है, तो देखते हैं नियर द वोल्केनो है, कुछ तो दिया है एंड डायर वियर दिया है एक, और जो है हमारा लेवल अप भी हो चुका है, तो कुछ देखते हैं कुछ कर पाते कि नहीं। जो ये लास्ट ट्रैप खोलने वाला है, डायर बियर को भी हंट करने वाला है, और इनको भाई नहीं चाहिए हमें ग्लीसूट, ग्लीसूट का एक जो है आर्मर हमें मिल चुका है, तो लार्ज क्रॉपलॉट भी नहीं चाहिए, स्नैप वाला चाहिए होगा पर अभी नहीं चाहिए। तो हमारे कितने लेवल तक खुल चुके हैं, 42 लेवल तक खुल चुके हैं, तो 42 लेवल में एक ही सैडल है, और ये जो चीज़ें है मुझ मेरे को नहीं चाहिए, ग्रीन हाउस वॉल वगैरह 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 कुछ भी नहीं चाहिए भाई। ग्रीन हाउस की कुछ भी चीज़ें, मेटल की कुछ भी चीज़ें हम नहीं खोलने वाले, क्योंकि भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इधर से सिर्फ एक गैपलिंग हुक खोलूँगा, ठीक है। इधर में इतने सारे चीज़ का डायर बियर सैडल और ये रेकलेस सैडल वेडल कार्नो सैडल वेडल खोलूँगा, और भाई सिर्फ इसको खोलूँगा मिगलाडोन सैडल वेडल, सैडल वेडल भी ज़्यादातर चाहिए मेरे को, और जो है चीटन कारमार तो मेरे पास है ही। तो एक और पेडिस्टल होता तो हमारा जो है ये वाला लगा दे सकता था, ये वाला रख सकता था। तो आज के लिए फाइनली इतना तक ही है, तो फिर से मिलते हैं भाई अगले गेमिंग एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, सी यू, टाटा।